कोरोना जैसी भारी महामारी से निपटने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं सूबे के मुखिया को इसकी सूचना मिलते ही पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट भी कर दिया गया और 21 दिनों के लिए लॉकडाउन भी कर दिया गया। वहीं सूबे के मुखिया द्वारा बाहर से आ रहे अपने गाँव को आने वाले सभी लोगों के लिए पूरे प्रदेश में हर ग्राम सभाओं में, हर न्याय पंचायतों में और प्राइमरी पाठशालाओं से लगाई तहसील प्रशासन तक सब जगह अलग अलग लोगों को ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। इस समय आप देख सकते हैं मौजूद है कुशीनगर जनपद के थाना नेबुआ नौरंगिया अंतर्गत लीलाधर छपरा गांव में, और लीलाधर छपरा गांव में यहां तमाम लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं। यहां लोगों को रखने की व्यवस्था भी की गई है। यहां हम बात करेंगे कि क्या व्यवस्था है और आप लोगों को क्या व्यवस्था दी गई है। शुभ नाम क्या होगा आपका? जी, मेरा नाम मुनीत प्रसाद है। अच्छा, किस पद पे आप तैनात हैं? सफाई कर्मचारी हैं। अच्छा, ये आपको मास्क मिला है कि नहीं मिला है आपको? जी मिला है। मिला है तो आप लगाए नहीं हैं? जी अभी नहीं लगाए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि यहाँ जो सुविधा दी गई है, क्या क्या सुविधाएं लोगों को दी गई है? यहाँ जैसे प्रधान जी को जब सूचना मिला है कि बाहर से कौन कौन लोग आए हैं और शासन का निर्देश हुआ है, तो निर्देश के अनुपालन में सारे प्रवासियों की सूची बना करके इस प्राइमरी पाठशाला में कल शाम से एडजस्ट कर दिया गया है। और प्रधान जी के द्वारा जो है बार बार निगरानी हो रही है। अभी विशेष करके प्रशासन के द्वारा कुछ खास सुविधा नहीं है, जो भी सुविधाएं प्रधान जी के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। कितने लोग आए हैं आपको वहाँ? कितना लोगों की व्यवस्था की गई? अब तक कितने लोग आए? अब तक 9 लोग हैं यहाँ मौजूद। अच्छा, ये टोटल लोग गांव के हैं कि कहाँ के हैं? सब इसी गांव के हैं। और जो अच्छा, बाहर से दिल्ली, बम्बई, नोएडा जैसे जैसे जानकारी हुआ है बाहर से, वो लोग आए हैं। जैसे जैसे सूचना मिली है एडजस्ट करते गए। तो ये बाहर से आने वाले सभी लोगों को 14 दिनों के लिए यहाँ एक तरह से कहा जाए तो घर से अलग के लिए प्रशासन ने व्यवस्था किया गया है कि यहाँ मतलब शासन के लोगों के निर्देश पर तो रखवा दिया गया तहसील प्रशासन द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा, आदेशों का पालन तो किया गया, लेकिन यहाँ कोई मतलब इन लोगों के ठहरने, भोजन करने, मतलब किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है कि न्यूज इंडिया से।